नमस्कार एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी भारत। भारतीय रेल की ओर से मीराबाई चानू का किया गया सम्मान। अभिनंदन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे उपस्थित। चानू को 2 करोड़ रुपए के नाम की घोषणा की गई। कुल 202 किलो वजन उठाकर टोक्यो के लिए भारत के लिए जीता था पहला मेडल। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी और बैडमिंटन में भारत की जीत। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाकर हॉकी में स्पेन के खिलाफ जीत की हासिल, तो वहीं बैडमिंटन में ब्रिटेन को हराकर जीत की हासिल। वहीं निशानेबाजी में चूकी सौरभ मनु की जोड़ी। दोनों खिलाड़ी रहे सातवें स्थान पर। क्वालिफिकेशन 2 में नहीं बना पाए जगह। भारत के खाते में अब तक 1 मेडल। ओलंपिक पदक की उम्मीद टूटने पर निशानेबाज मनु भाकर ने कोच पर लगाया बड़ा आरोप। तकनीकी खामी होने के बावजूद पिस्टल ठीक कराने के से किया इनकार। पिस्टल बनाने वाली कंपनी ने भी कोच पर मढ़ा दोष। स्विस कंपनी मोरिनी के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ठीक की जा सकती थी मनु की पिस्टल, फिर भी भारतीय कोचेस ने नहीं मांगी मदद। कोचेस ने जल्द से भी पिस्टल बदलने के लिए चेक करने से किया था इनकार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने क्वार्टर फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। मेडल से बस 1 कदम है दूर। उन्होंने जर्मनी के एफटेस नेदिस को 3-2 से हराया। लवलीना बोरगोहन ने 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। 30 जुलाई को होगा क्वार्टर फाइनल। भारत को बंधी एक और पदक की उम्मीद। असम मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़प। बॉर्डर पर फायरिंग में 6 जवान शहीद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। असम पुलिस के 6 जवानों की मौत पर मिजोरम में जश्न। मुख्यमंत्री हेमंता ने वीडियो ट्वीट कर किया भयावह दुखद व्यक्त। सीमा विवाद में अचानक बढ़ने के दौरान हुई थी हिंसक झड़प। असम मिजोरम सीमा झड़प को लेकर कांग्रेस ने 7 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेंगे कमेटी के सदस्य। गठन को लेकर कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी, तो वहीं पूरे मामले पर सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीए के तहत कानून बनाने को लेकर गृह मंत्रालय ने जनवरी 2022 तक मांगा समय। केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी। विकास मुद्दे पर उच्च सदन में विपक्षी सांसदों का हंगामा। वेल में आए सांसद मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। संसद में हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने बोला कांग्रेस पर हमला। पार्लियामेंट्री मीटिंग में संबोधन में कहा जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। वहीं बीजेपी सांसदों से बोले पीएम मोदी मीडिया और जनता के सामने बेनकाब करे विपक्षी दलों का ऐसा व्यवहार। साथ ही पिछले हफ्ते सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के बॉयकॉट का भी किया था जिक्र। 5 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी। 3री बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका यह पहला दौरा। पीएम मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम। दिल्ली में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात। ताजा राजनीतिक हालातों पर हुई चर्चा। पॉर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को रिमांड के लिए लाया गया किला कोर्ट, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए कुंद्रा। राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगहों पर हुआ जलभराव। मौसम विभाग के माध्यम से तेज बारिश का लगाया अनुमान। देश में बीते 24 घंटे में 29,689 नए कोरोना के नए मामले सामने। इस दौरान 415 लोगों की मौत। अब तक देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग हुए बीमारी से रिकवर। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर हुई 3,98,100। अब तक 44,19,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण, तो वहीं रिकवरी रेट पहुंचा 97.39% पर। राजधानी जयपुर में बड़ी मेट्रो स्टेशन पर ऑपरेशन सेफर व्हील्स की शुरुआत। जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक अधिजाप शर्मा बने मुख्य अतिथि। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम को लेकर की गई शुरुआत। जयपुर के बस्ती में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण। हंसपहल ग्राम पंचायत में छायादार पेड़ लगाकर पौधारोपण किया गया। युवाओं को अधिक से अधिक पौधे लगाने की गई अपील। कोटा में ब्लैक फंगस के कहर के बाद बोन डेथ का खतरा बढ़ा। पहली लहर में संक्रमित मरीजों के बाद बढ़ा बोन डेथ का खतरा। विशेषज्ञ बता रहे स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट। बांसवाड़ा के कवरिया सड़क मार्ग पर पलटा सवारियों से भरा टेम्पो। 8 लोग हुए चोटिल। 12 लोग थे टेम्पो में सवार। घायलों को जिला अस्पताल में किया भर्ती। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के लोहारगंज में पहुंचने लगे लोग झरने को देखने और नहाने पहुंचे सैलानी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ झरने का वीडियो। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में अच्छी बारिश के बाद खुश हुए पहाड़। पहाड़ों से बहने लगे झरने। लोहारगल में नाकुंड के पास बहा झरना। नाकुंड की नदी में भी आया पानी। झुंझुनू के खेतड़ी में वायवार प्रमुखों की नियुक्ति की गई शुरू। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने बनाया वार्ड प्रमुख। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाता है ट्रस्ट। झुंझुनू के नवलगढ़ में सुधा सरिता कविता संग्रह पुस्तक का विमोचन। उषा मान सिंह का ने लिखी है किताब। कहा मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है विषय। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से हर दिन हजारों लीटर पानी बह रहा व्यर्थ। बार बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। झुंझुनू के नवलगढ़ में हुआ सुंदरकांड पाठ का आयोजन। बावड़ी गेट पातालनाथ शिवालय में हुआ पाठ। पुजारी शिखर शर्मा ने दी जानकारी।
झुंझुनू में पर्यावरण प्रेमी ने शुरू किया अनूठी मुहिम, सरकारी दफ्तरों और क्वार्टर्स में बेलपत्र का लगाया पौधा, एडीएम जेपी गौड़ ने मुहिम की प्रशंसा की। झुंझुनू में पॉप मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, पंच रविंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन, कहा सरपंच करना चाहती है भ्रष्टाचार, गौशाला को लेकर एक जमीन से जुड़ा है विवाद। एजी अनियमित पानी सप्लाई पर याचिका, अजमेर शहर में जल सप्लाई को लेकर आमजन को हो रही परेशानी का मुद्दा पहुंचा अदालत, भाजपा पार्षद ज्ञान सारस्वत ने राज्य सरकार सहित जलदाय विभाग के खिलाफ की याचिका पेश, प्रकरण में 12 अगस्त को होगी सुनवाई। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के डोमपुरा गांव के पास हादसा, में ट्रेलर ने बारी माइक को टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। टोंक में सुबह से ही बारिश का दौर जारी, कई जिलों में उमस से लोगों को मिली राहत, तो वहीं टोंक नगर परिषद के इंतजामों की भी खुली पोल, शहर में कई जगहों पर भरा पानी। सीकर के खाटू श्यामजी में हरनाथ का परिवार द्वारा थानाधिकारी रिया चौधरी का किया गया स्वागत, स्थानांतरित थानाधिकारी पूजा पूनिया का किया विदाई समारोह, दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम आयोजित। झालावाड़ जिले की डग में दबंगों ने उजाड़े गरीबों के आशियाने, भाजपा मंडल अध्यक्ष पर लगे आरोप, गांव के ही लोगों ने लगाया आरोप, थाने पहुंचा मामला। बांसवाड़ा में नाले में शव मिलने से फैली सनसनी, कोतवाली पुलिस पहुंची मौके पर, शव को बाहर निकालकर रखवाया मोर्शी में, साथ ही मामले की जांच भी की गई शुरू। दौसा के बांदीकुई में बहन को ससुराल छोड़ने जा रहे भाई की दुर्घटना में हुई मौत, अज्ञान वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, पुलिस जुटी मामले की जांच में। सिरोही के शिवगंज में नगर पालिका के बाद वार्ड नंबर 6 के लोगों ने किया प्रदर्शन, जल समस्या का नहीं हो रहा निराकरण, ज्ञापन सौंप कर जताया विरोध। एमपी के श्योपुर में भारी बारिश से आवागमन बाधित, नदी नालों में उफान, श्योपुर बारा मार्ग बंद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी, नमस्कार।